आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक टीकमगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र में स्वच्छता पखवाड़ा चलाया गया। इस दौरान किसानों को खेती की तकनीकों के साथ साथ स्वच्छता बनाए रखने के लिए भी जागरूक किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ में इन दिनों स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। 31 दिसंबर तक जारी इस पखवाड़े के तहत केंद्र में स्वच्छता के प्रति जागरूकता को लेकर विविध गतिविधियां हो रही हैं। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को खेती की तकनीकों से तो अवगत कराया ही जा रहा है, साथ ही साथ उन्हें साफ सफाई बनाए रखने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक लगातार हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग गांव में स्वच्छता पखवाड़ा आज़ादी के अमृत महोत्सव के उत्सव में शुरुआत किया है। आज हमने किसानों के साथ में, कृषक महिलाओं के साथ में, कृषि वैज्ञानिक श्रमिकों के साथ में कार्यालय परिसर की साफ सफाई एवं जो आसपास के हमारे जो प्रदर्शन इकाई है उनकी सफाई करके जो कचरा निकला उसको हमने केंचुआ उत्पादन इकाई में डालकर उसे किसानों को बताया गया कि किस तरह से इसको हम सड़ाकर केंचुआ के द्वारा उपयोगी खाद में बदल सकते हैं, जिससे हमारा जो रासायनिक खादों पर होने वाले खर्च को हम बचा सकते हैं। और किसानों को भी ये संदेश दिया कि हम भी अपने घरों में जाकर अपने घरों की, अपने मोहल्ले की साफ सफाई रखें। कृषि विज्ञान केंद्र में खेती की ट्रेनिंग लेने आ रही महिला किसानों को प्रशिक्षण के साथ साथ स्वच्छता का भी संदेश दिया गया। कार्यशाला के दौरान महिला किसानों के साथ केंद्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें किसानों ने उत्साह से भागीदारी की। यहां किसानों को पेड़ पौधों से गिरने वाले सूखे पत्ते और टहनियों को इकट्ठा कर वर्मी कंपोस्ट बनाने के बारे में बताया गया। हमने किसानों से को स्वच्छता के बारे में समझाया, कैसे परिसर की, कैसे गांव की, कैसे गली की, कैसे घर की स्वच्छता का ध्यान रखना है। उसी के तहत हमने कृषि विज्ञान केंद्र में फूलों पत्तों और जो झाड़ियां थी उनका हटवा के अपने वर्मी कंपोस्ट में डलवाया ताकि उसकी जैविक खाद बनाई जा सके, जिसका आह्वान मोदी जी ने बहुत पहले किया था ताकि स्वच्छ भारत रहे और स्वस्थ भारत रहे। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ में स्वच्छता के बाद एक पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें साफ सफाई की जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया है कि जो हमारे आसपास जो कचरा रहता है घर पर एक गड्ढा बना के, तो जिससे अपन उस गड्ढे में कचरा डाल देंगे तो वो जो गड्ढा में डाला कचरा वो भी काम आएगा अपने, और जो साफ सफाई रहेगी उससे बीमारियां भी नहीं फैलेंगी। इससे बहुत कुछ फायदा है भारत को। जो प्रधानमंत्री जी ने अभियान चलाया उसके अंतर्गत हम के भी किने आए तो सर वहाँ कचरा का इकट्ठा करके गड्ढा में डालना या उसका खाद बनाना, तो गड्ढे में कचरा डालने से खाद भी बन जाता और सफाई भी होती है और बाकी जो सुरक्षा होती है वो बहुत अच्छी लगती है। साफ सफाई करने से ये होता है कि सर हम लोग रोग मुक्त होते हैं, और जो इसकी जो सूखी पत्तियां निकलती हैं पेड़ पौधों से तो उससे हमारा जैविक खाद बनता है जो हमारे कृषि के लिए बहुत आवश्यक है, और साफ सफाई करने से हम बीमार कम होते हैं और प्रदूषण में वातावरण में प्रदूषण कम फैलता है। कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यशाला के समापन पर सभी किसानों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। किसानों ने अपने घरों, खेतों और ग्रामों में साफ सफाई रखने की शपथ लेकर स्वच्छ देश बनाने का संकल्प लिया। टीकमगढ़ से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, भोपाल।